मैं श्री राम जी की कसम, हिंदुस्तान की कसम है, एक एक हिंदुस्तानी की कसम है। मैं श्री राम जी की कसम, इसमें श्री राम जी की कसम, मैं श्री राम जी की कसम, मैं श्री राम जी की कसम, तुम्हें दुर्गा माता की कसम, मैं श्री राम जी की कसम है, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है। अपने आप को असली हिंदू मानते हो ना, तुम्हें श्री राम जी की कसम, तुम्हें ना श्री राम जी की कसम है, तुम्हें माता रानी की कसम है, तुम्हें ना श्री राम जी की कसम है। भाई ये मैंने टोपी उतार दी, अब मैं क्या लग रहा हूँ, कुछ भी नहीं भाई। हम परिवर्तन कर लिया है, पहले मैं हिंदू पुनीत कुमार था, मैं जाकिब हुसैन मुसलमान। जय श्री राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक कट्टर हिंदू से मिलाऊंगा। एक क्या, कई ऐसे कट्टर हिंदू हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहे हैं वो भी। तो चलो हम भी सनातन की तरफ चलते हैं, जब तक ट्रेंड है फिर उसके बाद हम कुछ और देखते हैं। तो जितना भी लोग ऐसा सोचते हैं या सोच रहे हैं, तो उनकी कन्फ्यूजन के लिए दूर कर दूँ कि सनातन ट्रेंड तब तक ही रहेगा जब तक तुम्हारी सांसें नहीं रुक जाएंगी। वो ट्रेंड करता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, खुद ही हिंदू होकर हिंदू का ही मजाक बना रहे हैं, सनातन का ही मजाक बना रहे हैं। प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। ताराबाई जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार को तो आप जानते हैं ना, अब इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करता हूँ। कुछ वीडियो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रही है, उसके बारे में पहले बात करते हैं। ये वीडियो देखिए आप, भारी मिस्टेक हो गया सर। बाद में बजरंगबली जी का ही फोटो आ जाता है जय श्री राम बोलते हुए, और शेयर लगभग 70,000 आ गए। किस लिए? कि एक मुस्लिम लड़के ने चैलेंज किया है कि इस वीडियो पे 50,000 कमेंट आने चाहिए, तब मैं हिंदू धर्म अपना लूंगा, अगर नहीं आए तो तुझे मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। ये वो बंदा बोल रहा है जिसको यही नहीं मालूम है कि मुस्लिम कोई धर्म होता भी है या नहीं होता है। और क्या कोई ऐसा चैलेंज देता है कि मतलब कमेंट अगर तेरे 50,000 आ गए तो भैया मैं सनातन को अपना लूंगा, ये कोई चैलेंज होता है? ऊपर से कह रहा है कि मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है, और लोग इसकी लाज रख भी रहे हैं। 2.5 लाख से अधिक कमेंट आ जाते हैं इसके वीडियो पे। एक और वीडियो है जिसको बहुत ज्यादा मिलियन में लोग शेयर कर रहे हैं, मिलियन में लोग लाइक कर रहे हैं। ये देखिए, समझ तो सब गए। बस बच ही गया बंदा। ये बोला इसने कि अगर ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना है तो मुझे फॉलो करो, सपोर्ट करो। अब जब तू ऐसे लोगों को गिरफ्तार करवा सकता है तो क्यों कह रहा है कि भाई वीडियो को शेयर करो, गिरफ्तार करवाओ? यहाँ पे तेरे दो जुबान हो गई, या तो तू उसको पकड़वाने की बात कर रहा है, या तो खुद कह रहा है कि भैया मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं पकड़वाऊँ। दोनों में से एक चीज़ काम कर सकते हैं ना, या दोनों चीज़ तूने बोल दी, तुझे पता ही नहीं क्या बोल दिया। तीसरी बात, ये कमेंट तो लिख रहा है, कमेंट में क्या तूने किसी उस बंदे का फोटो दिखाया कि कौन बंदा है ये? प्रोफाइल दिखाई? नहीं दिखाई। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी भैया 5-6 ID बना ले, तो मैं भी ऐसे कमेंट करके मैं भी ऐसे कर देता हूँ और बोल देता हूँ तुम्हें भोलेनाथ की कसम, तुम्हें श्री राम की कसम, तुम्हें भगवत गीता की कसम, तुम्हें इसकी कसम, तुम्हें उसकी कसम, कसम दे देता हूँ। शर्म करो यार, शिवलिंग के सामने बैठे हो, कुछ तो सोचा करो बोलने से पहले। अब एक ये वाली वीडियो देखो, इसमें क्या लिखा इसने कि शायद लोग भारत का इतिहास और संस्कृति भूल रहे हैं। बाल को दिखा रहा है बड़ा करते हुए, फिर बाद में भगवान श्री राम की फ़ोटो आ जाती है। मतलब ओहो हो, भगवान श्री राम ने बाल बड़े करे थे तो हमने ही बड़े कर लिए, देखो अब हम बिल्कुल संस्कारी हो गए, बिल्कुल हम सनातन धर्मी हो गए, अब हम 4 वेदों का ज्ञाता हो गए, अब हमसे कोई नहीं जीत सकता है शास्त्रों में, अब हमसे कोई भी किसी भी मामले में नहीं जीत सकता है, अब मैं सब कुछ बदल दूंगा। क्या ऐसा समझा जाए बाल बड़े करने से? लेकिन लोगों का सपोर्ट देखिए, ऐसे बंदों को मैं देखता हूँ बहुत खुल के सपोर्ट मिलता, बहुत ज़्यादा लाइक देखिए, 3,23,000, 66,100 शेयर। क्या तुम लोग चाहते हो कि ऐसे कंटेंट बने?
तो मैं भी ऐसी बनाना चालू कर देता हूँ, बड़े बाल कर लेता हूँ, फिर मैं भी देखता हूँ हर वीडियो में ऐसे दिखाऊंगा। अब बात करते जोगिंदर के और पुनीत की। खत्म हो गया भैया मैटर। इन लोगों ने इतना गंद मचाया है इस समय, जिसको लोग आसानी से देखने को चाहे बहुत आसानी से देख सकते हैं, लेकिन लोग देख नहीं रहे किसी भी तरीके से। जोगिंदर की पहले बात करें तो पहले थारा भाई जोगिंदर करके चलो ट्रेंड पे आ गया, फेमस हो गया उस समय जब टिकटॉक चल रहा था। फिर उसके बाद इधर उधर कुछ कुछ बातें करी, इधर किसी के जो रोस्टर होते हैं उनके बारे में कुछ बोला तो उसने इसको रोस्ट कर दिया, फिर किसी के बारे में बोला फिर रोस्ट कर दिया। तो इस बीच में इसका ट्रेंड गिर गया था, फिर दोबारा इसी चक्कर में उठ गया। बार बार कैरी नाटो को लेकर बोलता रहा, कैरी नाटो ने फिर इसको एक बार रोस्ट कर दिया, जो कि पहले भी इसने कभी कैरी ने पहले भी इसको कुछ नहीं बोला था, फिर कैरी ने बाद में रोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद दिखा कि अब तो गायब हो गया, फिर गाना मतलब जब रोस्ट वाला चल रहा था तभी गाने भी निकाल रहा था ताकि गाने के माध्यम से कुछ ना कुछ उठ जाए और बंदा, फिर भी बंदा वहीं पर शांत रहा। फिर उसके बाद अभी ये रोडीज में आया था, जब सब जगह खत्म हो गया फिर रोडीज में आ गया, फिर साइलेंट हो गया, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें बंदा। फिर चित्रकूट चैलेंज लाया, जिससे कि इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, मुझे भी अच्छा लगा कि ये बंदा जो है लोगों की सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। देखो जनरली बात बताऊँ, चाहे कोई किसी भी तरीके से बंदा हो, अगर कोई किसी की मदद करता सपोर्ट करता तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बंदा है, उसको सपोर्ट करना भी चाहिए। ये काम मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तो खुद की अभी स्थिति नहीं है खुद को संभालने की, तो लोगों को क्या संभालूंगा। इच्छा है मेरी, लेकिन उसके लिए थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट अच्छा खासा चाहिए होता है, तभी कर पाएंगे, पता नहीं वो चीज़ें कब होगी। तो इतना कुछ करने के बाद फिर से इसको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करूं यार, मेरी रीच नहीं पहुंच रही, रीच पहुंचाने के लिए क्या करा जाए। फिर इसने पोलाइटली तरीके से सनातन धर्म को टारगेट करा, हालांकि इसको मालूम नहीं कि टारगेट कर रहा है, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ देखो मुझे भी काम इसके पसंद आते हैं, जब किसी की मदद करता मुझे अच्छा लगता है, मैंने अभी पहले बोला कि जो कोई मदद करता मुझे अच्छा लगता है, मदद करनी भी चाहिए। फिर देखिए इसका एक पहला वीडियो था जिसने कसम दी थी कि आपको ये कसम है कि आपको इनकी कसम है उनकी कसम है, वीडियो को शेयर करो, योगी आदित्यनाथ तक पहुंचना चाहिए ताकि गौ माता अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे, कूड़ा ना खाए। ये देखो क्या ऐसे कसम देने से क्या होता है, मतलब तुम्हारे कसम देने से ही कुछ हो पाएगा, बिना कसम दिए कुछ नहीं हो पाता है। इसमें देखिए 40,80,000 इसमें लाइक है और 12 मिलियन शेयर है इसके, 12 मिलियन। ऐसे ऐसे बंदों को इतना सपोर्ट मिलता है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद में एक ये बंदा वीडियो बनाता है, दुर्गा माता की कसम दे रहा है ये, मतलब दुर्गा माता की कसम देगा तो ही जो सनातनी है वो शेयर करेगा तो इसको सजा मिलेगी, अन्यथा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब ऐसे ही होता रहेगा। तेरे इस वीडियो को बनाने से पहले कई लोगों ने बना भी दिया और इसको सजा भी मिल चुकी है, ठीक है। तो तेरे इस बनाने अच्छा मुझे तो ऐसा भी लगता है, क्या पता इसको मालूम ही होगा सजा भी मिल चुकी है, तभी शायद इतना कुछ देखने के बाद समझने के बाद भी वीडियो बना रहा है। फिर भी इस वीडियो में 7,76,000 लाइक है और 2.2 मिलियन यानी 22 लाख शेयर हैं, 22 लाख, इतना इस बंदे को सपोर्ट मिला है। फिर इसके बाद यही चालू हो गया, ये था। फिर इसके बाद ये देखो इसका रोना, देखो ये कहाँ से रोता हुआ नजर आ रहा है, ये देखो सही से देखो रोता हुआ दिख रहा कहीं, कहीं से भी रोता हुआ नजर आ रहा है ये बंदा, कहीं से भी रोता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं से भी रोता हुआ नहीं दिख रहा। फिर भी इस वीडियो में 1 मिलियन लाइक आ गए और 1.1 मिलियन शेयर। इतना नकली झूठा वीडियो बना के, इतना नकली झूठा रोता हुआ दिखाते हुए दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग पता नहीं किस हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है यार, कि तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ऐसा करने से तुम सनातन धर्म का मजाक बना रहे हो, अपमान कर रहे हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, शायद नहीं महसूस होता होगा तभी तुम ऐसा कर रहे हो बार बार। जो लोग कहते हैं ना कि कट्टर हिंदू हो तो वीडियो को शेयर करो, असली सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को शेयर करो, क्या अगर वीडियो को शेयर नहीं करेगा तो उसके अंदर इंसानियत है, वो सनातनी नहीं है। तो मैं तो ऐसे तुम्हारी कोई सी वीडियो को शेयर नहीं करता और तुम्हारे जैसे जितने भी लोग के आते हैं मैं किसी को शेयर नहीं करता हूँ, ऊपर से रिपोर्ट और मार देता हूँ। अब देखिए ये चीज मुझे अच्छा लग रहा है कि सनातन को लेकर कम से कम जो लोग बात नहीं करते थे, कर तो रहे हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि जो बात नहीं करते थे बात कर रहे हैं सनातन को लेकर। लेकिन यार मजाक बना रहे हो, गंदी तरीके से मजाक बन रहा है,
तुम्हें भी लोग देखते होंगे, तुम भी ऑफ कैमरा पहले का तो पहले रोले साले, आँख वाँख थोड़ा पानी वानी भिगोले, थोड़ा ऐसा थोड़ा कर देना, बस हो जाएगा। अरे देख बहुत लाइक मिलता है, तुझे दिखाया था ना मैंने कि गौ माता की वीडियो में कितने शेयर थे बेटा, फिर से ट्रेंड पा जाएंगे हम। आजा आजा लगा लिया पानी, हाँ यही सब चलता होगा पहले तुम्हारा। और ये बंदा जो रो रहा है, इसके असली औकात देखो, ये क्या बंदा है तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि क्या बंदा है, लेकिन फिर भी तुम उसको वीडियो में ले रहे हो, रुला के दिखा रहे हो, जो कि इसके आंसू भी नहीं आ रहे सही से। ये देखो बंदा सपोर्ट असल में किसको करता है, ये देखो। आंसू आ गए भाई, आंसू आ गए यार। जगा दिया तुमने हमको, बताओ हम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, तुमने भाई जगा दिया ऐसा बोल करके। ये है इनकी असली औकात, ये है असली लोग। उन सभी से कहना चाहूँगा जो लोग भी ऐसे लोग को सपोर्ट करते हैं, कि अगर ट्रेंड के हिसाब से आप चलोगे तो बुद्धि भी आपकी ट्रेंड के हिसाब से ही रहेगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहने वाला। आज ये है तो कल कुछ और होगा, आज हिंदू को सपोर्ट कर रहे हो तो कल मुसलमान को सपोर्ट करोगे, तो कोई भरोसा भी नहीं, परसों के दिन तुम कन्वर्ट भी हो जाओ। ट्रेंड के हिसाब से चलोगे तो ट्रेंड वाली भी बुद्धि रहेगी, लेकिन असल में नुकसान पता किसका हो रहा है, जो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सालों से सनातन को लेकर आवाज़ उठा रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको सही से लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे, सही से कोई सहयोग ही नहीं कर रहा है। ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके 8.1 मिलियन फॉलोअर, इसके 8.1 मिलियन, ऐसे लोग वीडियो बनाए तो भाई ट्रेंड पे आ जाता है। तो भाई जितने भी लोग को सपोर्ट करना आपको, सही से करें, देख के सोच के समझ के कि किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं। ये मुझे अच्छा लगता है कि लोगों की मदद कर रहा है ये बंदा। लेकिन दूसरी साइड जितने भी ऐसे लोग जो कसम देते हैं भगवानों की, तुम्हें सीता माता की कसम, भोलेनाथ जी की कसम, भगवान श्री राम की कसम, हनुमान जी की कसम, ये लोग कसम देने के नाम पर अपने ही सनातन का और खुद का भी मजाक बनवा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कट्टर सनातनी है, सच्चे सनातनी है, उनको ही सहयोग करो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम, मैं नहीं दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक शेयर करें, कैसी लगी कमेंट में बताएं। जय श्री राम।